बाल्यावस्था में जिसने पूर्ण शिक्षा प्राप्त किया है और शुभ संस्कार प्राप्त किया है, जिसके संस्कार अच्छे हो गए उसका संसार अच्छा हो जाता है, जिसके संस्कार बिगड़ गए उसका संसार बिगड़ जाता है। किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर में ही परिवर्तन करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को डांटना है, अपने आप का मैल धोना है, अपने आप की ऊर्जा का सही सदुपयोग करना है, अपनी बुद्धि को सही यूज करना है, अपने गुणों को प्रयोग करना है, अपनी कलाओं को प्लेटफार्म पर निकाल के रख देना है। सारी दुनिया तुम्हारी टांग खींचती रहे, कोई टांग खींच नहीं सकता है, यदि आपने अपनी कलाओं का सही प्रयोग कर दिया है, गुणों का प्रयोग किया है, बुद्धि का प्रयोग किया है, नेत्र की दृष्टि का सही प्रयोग किया है, वाणी का सही प्रयोग किया है, श्रवण का सही प्रयोग किया है, हाथ से कर्म सही किया है और पांव से सही मार्ग पर चले हो, दुनिया में तुमको कोई हराने वाला नहीं है, तुमको कोई पीछे करने वाला नहीं। बोली सद्गुरुदेव की जय। किसी से कोई संघर्ष आपका है ही नहीं, केवल अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है, अपने आप को मस्त करना है, अपने आप को चुस्त करना, दुरुस्त करना, तंदुरुस्त करना है, अपने आप को फास्ट करना है, समय का सदुपयोग करना है, समय मत गवाइए। जैसे आरती होती हमारे यहाँ सुबह शाम निवास पर, तुम्हारे साथ में 25 महात्मा है, दो चार भगत आ जाते हैं, लेकिन 25 महात्मा के ऊपर भी हम आरती कहीं 5 बनवाते, कहीं 7, 8, 9 कि 1 मिनट में आरती फाइनल करो, टाइम बचाओ, सब लोग पकड़ लो आरती की थाल, घुमा दो और घंटे भर तुम आरती गाते रहोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। भगवान तो समझ गए कि बस हो गई आरती, और क्या करना। कितने लोग 2-2 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, अरे ध्यान में मत बैठ, उधर गेहूं के खेत में बैठ कर देख क्या काम करना है, ध्यान में आंख मूंद के फालतू बैठता, इतना लंबा ध्यान करने की क्या जरूरत है। अपने काम का ध्यान रख, खेती का ध्यान रख, दुकान का ध्यान रख, परिवार का ध्यान रख, जिंदगी का ध्यान रख, स्वास्थ्य का ध्यान रख, सत्संग होने वाला उसका ध्यान रख, वो ध्यान नहीं करता है, धन दौलत का ध्यान रख, अपनी गाड़ियों का ध्यान रख, नहीं तो चोर ले जाएंगे, आंख मूंद के बैठा रहेगा फालतू। असली ध्यान यही है, अपने आचरण का भी ध्यान रख। पुलिस जवानों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है, ये थांदला पुलिस जवान, झाबुआ पुलिस जवान जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा दिया है, महिला पुलिस जवान, जेंट पुलिस जवान, उनकी सेवा से हम खुश हैं, उनको शुभकामना करते हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, AIS एडिशनल इंस्पेक्टर सभी सराहनीय है और कांस्टेबल भी सराहनीय है, क्योंकि बड़े भाव से सब इंस्पेक्टर मुझसे बोले कि हम पैदल चलेंगे आपके शोभा यात्रा में। बोले आगे गाड़ी चलेगी, धूल उड़ेगी आपके ऊपर, अरे इतने सुंदर गुरु उसके ऊपर धूल उड़े ठीक नहीं, तुमने कहा बहुत अच्छा है, चलो साथ में पैदल चलने लगे, क्या आनंद आ गया। समझदार है पुलिस जवान और आप तो बहुत वफादार, प्रेम करने वाले, आपके प्रेम से मैं प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि मैं हंसता हूँ तुम हंसते हो, मैं वीर रस में आ जाता हूँ तुम भी वीर रस में आ जाते हो, मैं मुस्कराता हूँ तुम मुस्कराते हो, जो मैं सुनाता हूँ उसको तुम सुनते हो, और तुम इतना प्रेम रखते हो, इसीलिए हम इस क्षेत्र में 5 साल बाद फिर आएंगे, 5 साल बाद। वो बोल रहे हैं अगले साल फिर ओवर डोज हो जाएगा, 1 साल गैप करके ठीक रहेगा, ताकि दूसरी जगह भी पहुंच जाऊं, अन्यथा पता चलेगा भैरू बोरडी में ही टिके पड़े, लोग भी सोचेंगे भैरू बोरडी में कौन सा चुंबक लग गया, कौन जादू पड़ गया, गुरुदेव वहां हर साल क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रेम है इसलिए जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं, उसमें क्या सोचने की जरूरत है, जो प्रेम करेगा वहां जाएंगे, जिस फूल में रस होगा वहां भौरे आएंगे, और जिस फूल में रस नहीं होगा वहां भौरे नहीं आएंगे, गुबड़ौरे आएंगे। इसलिए याद रखना, गुरु जी तो प्रेम रस जहाँ होता वहीं जाते हैं, और प्रेम रस यहाँ है, इसलिए जिंदगी भर गुरु जी आएंगे। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारी, दर्शन की बलिहारी
दर्शन के बलिहारे गुरु जी तुम्हारे, दर्शन के बलिहारे तुम्हारे, दर्श ते संकट कटत है तुम्हारे, दर्श ते संकट कटत है करम मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी, ताली बजाइए, दोहराइए, मुस्कुराइए, दर्शन की बलिहारी जिन्हें दर्श सुख दियो कृपा करी, जिन्हें दर्श सुख दियो कृपा करी आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी बार बार गुरु दर्शन दीजो, 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 सुनियो अरज हमारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, सुनियो अरज हमारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। दर्शन दर्शन दर्शन, दर्शन का बहुत महत्व है। आप जब गुलाब के फूल का दर्शन करते हो मन भी फूल जैसा खिल जाता है, जब आप बबूल के कांटे का दर्शन करते हो तो बबूल के कांटे जैसा मन भी खिन्न हो जाता है, जब आप सांप का दर्शन करते हो आपके अंदर भय पैदा होता है, बिच्छू का दर्शन करते हो भय पैदा होता है, लेकिन जब देवी देवता के मंदिर में जाकर दर्शन करते हो तुम्हारे अंदर प्रसन्नता पैदा होती है, और जब आप किसी महान नारी का दर्शन करते हो तुम्हारे अंदर पुजारी होने का भाव पैदा होता है, और जब किसी महान संत का दर्शन करते हो तब तुम्हारे अंदर शांति पैदा होती है, शांति पैदा होती है, वीर का दर्शन करते हो तो वीरता पैदा होती है, कायर का दर्शन करते हो कायरता पैदा होती है, आलसी के दर्शन से आलस्य पैदा होता है, और दानी का दर्शन करते हो दान करने की भावना पैदा होती है। याद रखना दर्शन का भी बहुत महत्व है, किसके दर्शन आपने किया है। अगर शांत स्वभाव वाले व्यक्ति का दर्शन किया है तुम्हारे अंदर भी शांति उतरनी शुरू हो जाएगी, और हंसमुख व्यक्ति का दर्शन किया है तुम्हारे अंदर भी हंसी खुशी पैदा होना शुरू हो जाएगी। गुरु का दर्शन तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अभी कम से कम 200-300-400 लोगों ने दर्शन किया यहां आकर के, बहुत बड़ी माला भी पहनाया मुझको, वो रखी माला उधर, इतनी बड़ी माला थी, पहनाने वाले इतने थे कि मंच भी धस गया, क्योंकि पीछे तालाब का दलदल है, दलदल में मंच, मंच धस गया, तो हमारे प्रबंधक चौंक गए, 20 कर्मचारी नीचे घुस के मंच को उठाए ऊपर, तो हमने कहा अच्छा है हम नहीं धसे यही अच्छा, पूरा मंच धस गया, तुम जहां बैठे हो वहां सूखा जमीन है, वहां धसने वाला नहीं, हमको दलदल में बिठाया, पूरा धस जाऊं। आप लोग चतुर हो, अच्छी जगह में बैठ गए, हमको दलदल में बिठा दिया, कोमल जगह है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको भी मजबूत हो जाएगी, ये तालाब बहुत अच्छा है, जहां वर्षा ऋतु में जल भर जाता है, और उसके बाद उसी में आज सत्संग का जल भर रहा है, देखिए कितनी अच्छी बात है।
यह स्थान इतना अच्छा है, नीचे है, थोड़ा हवा का प्रकोप भी पंडाल पे असर नहीं करता है, आपको भी ज्यादा ठंडी हवा नहीं लगती और सूरज की किरणें भी बहुत जोर से यहाँ लगती, फोकस बनता है, किसी को गर्मी लग ही नहीं रही, किसी को सर्दी लग ही नहीं रही, कोई ओढ़ा पहना कुछ ज्यादा नहीं है। घर से जो भोल से सुबह से पहनकर आ गया तो कहाँ निकाल कर फेंके, अपना कोट पहने बेचारा, बाकी जो है जरूरत नहीं है। ऐसा सुनहला मौसम, रंगीला मौसम और ऐसा सुहावना मौसम और ऐसा, क्या बात करते हो, कुछ बात मत करो, जो मैं कहूँ वही बात सुनो, क्या मैं कह रहा हूँ। एक भजन गा दो, वो बिहारी भजन जो है, सुहावन लागे ला हो मन भावन लागे ला, हाँ गाओ। सुहावन लागे ला हो मन भावन लागे ला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, सुहावन लागेला हो सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला। दूर दूर से संत सब आए, बिहार दूर दूर से बिहार जाना सब आए, झाबुआ में सुन लो बिहार का भजन, हिल मिल भरब हम ज्ञान के गगरिया सुहावन लागेला, सुहावन लागेला हो सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, मन भावन लागेला हो मन भावन लागेला हो सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला, भैरु बोरड़ी नगरिया सुहावन लागेला। बहुत अच्छा गाया, मैं तो बिहार में भी खूब जाता हूँ, बिहार झारखंड कर्नाटक पश्चिम बंगाल आसाम तेलंगाना उड़ीसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और नेपाल दुबई थाईलैंड हांगकांग इंडोनेशिया मस्कट और आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र सौराष्ट्र दिल्ली हरियाणा हिमाचल, ये सब सत्संग में करता हूँ, खुद जाता हूँ, ये सारा सिस्टम है, हांगकांग नहीं ले जाता हूँ सिस्टम, वो विदेश समुद्र पार करना पड़ता है, हवाई जहाज से जाता हूँ, 8-10 घंटे हवाई जहाज चलता है, 400 सीटें होती है उस हवाई जहाज में, 400 लोग बैठते हैं और सबको काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं कि सेहत बनी रहे, बीच में हार्ट अटैक ना हो, पहुंचा देते हैं हांगकांग। लेकिन याद रखना, अभी तक जितने देशों में मैं गया हूं, सबसे प्यारा देश आपका देश है, यहाँ जो प्रेम है सुख है,